आप अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो नेता हैं, जितने आपके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के और कोई नेता हो, उनके ऊपर से आप दरादर मुकदमे हटाए जा रहे हो। लेकिन आप दूसरों पे मुकदमे लगाने में बहुत माहिर हो। आपने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर आपने मुकदमा लगा दिया। किस बात का मुकदमा लगा दिया भाई? क्यों जबरदस्ती आपने मुकदमा लगा दिया? क्योंकि आप एक तानाशाही चलाना चाहते हो। आप चाहते हो समाज के अंदर हम तानाशाही करेंगे, तानाशाही से हम उत्तर प्रदेश के ऊपर रूल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। समाज के अंदर विकास के नाम पे ही आप इस उत्तर प्रदेश में राजनीति कर सकते हैं, जाति धर्म के नाम पे नहीं, तानाशाही से नहीं। अपने नेताओं पे आप मुकदमे हटा रहे हैं। और समाजवादी के नेता जिस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हुए पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, तो आप इतना डर गए, इतना सहम गए और डर के मारे आप, और कुछ आपको नहीं मिल रहा है करने के लिए, भीड़ को देखते हुए इतनी भीड़ उनकी मीटिंग में आ रही है, लोग इतना मिलना चाहते हैं उनसे, तो आपने एक मुकदमा लगा दिया। एक मुकदमे या दो मुकदमे से क्या होना है? ये फर्जी मुकदमे लगा के क्या करोगे? जनता ने तय कर लिया है कि जनता आपको वोट के माध्यम से हटा देगी, क्योंकि आप अपने नेताओं पर मुकदमे हटा रहे हो और विपक्ष के डर के मारे विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे लगा रहे हो। इससे साफ जाहिर हो गया आपकी मानसिकता और आपकी संस्कार से पता चल गया, आपकी जो आपके रवैया उससे पता चल गया है कि 2022 में 22 साइकिल की सरकार आ रही है और आप जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तर प्रदेश में 4 साल की सरकार हो गई है। 4 साल की सरकार में अपने 4 काम नहीं गिना पा रही है और झूठ तो इतनी आसानी से बोल रहे हैं कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बना दिए। मैं तो पूछता हूं, एकाध एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलती हुई दिखा दीजिए कि इस एक्सप्रेसवे जो हमने बनाया उस पर गाड़ी चल रही है, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने एक्सप्रेसवे बनाया। आप रोजगार देने की बात करते हो, उत्तर प्रदेश से रोजगार आपने छीन लिया। रोजगार देने का तो आपका कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। किसान धरने पे बैठा है, किसान की मौतें हो रही है, आपको चिंता नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार तो इस कदर बढ़ा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो रहे हैं, चाहे हथरस पार्ट 1 हो, चाहे उन्नाव पार्ट 2 हो। हालत यह है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि सरकार दूसरों के काम को भी अपना काम बता देती है, ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नारा लगाया है जो कई वर्षों में नहीं हुआ, वो 4 सालों में हुआ। बिल्कुल सही, कई वर्षों में यहां पर ऐसा नहीं हुआ था कि आप दूसरे के काम को अपना काम बता दें। महिलाओं पर इतना अत्याचार बढ़े, COSDM के सामने गोली मार के किसी की हत्या कर दी जाए, किसान धरने पे बैठा हो, बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट गई हो, किसान अन्नदाता परेशान हो, कभी नहीं हुआ। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा हो, कभी नहीं हुआ। और इससे भी पेट नहीं भरता है तो आप तानाशाही चलाना चाहते हैं।